हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सभी CHO फ्रेंड्स को कि कैसे वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ और मंथली रिपोर्ट SWC पोर्टल पे भरते हैं। ये काफ़ी CHO की प्रॉब्लम है दोस्तों, उनको पता नहीं है कि वो कैसे अपनी मंथली रिपोर्ट और कैसे अपनी डेली रिपोर्ट, कैसे वेलनेस एक्टिविटी और ये सारी एक्टिविटीज़ जो भरते हैं SWC पोर्टल पे, उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों, बड़े अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। और लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहें, पूरी देखेंगे दोस्तों, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। मैं सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, कैसे कैसे आप भरोगे और वो सारी एक्टिविटीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। जैसा कि फ्रेंड आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे SWC पोर्टल खोल लिया है। और आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये कैसे आपको मिलता है और कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी, सबसे पहले आपको जहाँ के आप CHO हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के और जिस स्टेट में भी हों, सबसे पहले आपको SWC पोर्टल इंस्टॉल करना होता है। और ये जो हमारी सरकार है, जिस स्टेट से आप CHO हैं, वहाँ से आपको ये ऑनलाइन आपको ID और पासवर्ड मिले होते हैं। और ये जो SWC पोर्टल है, ये इंस्टॉल करना होता है, इसमें ID पासवर्ड लगाने होते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूज़र नेम, यानी कि कौन सा सब सेंटर है आपका, इसमें नाम डालना पड़ता है। और ये इसके नंबर होते हैं, पासवर्ड होते हैं, उसके बाद में ये स्टेट कौन सा है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको पता लग गया कि ये कैसे आता है, ये हमारी सरकार द्वारा हमारे पास भेजा जाता है। जब आपका सिलेक्शन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में हो जाता है, तो ये पोर्टल आपको भरना होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम कैसे भरते हैं इस पोर्टल को, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है मंथली कम्युलेटिव डाटा, और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। ये डेली एयर डेली रिपोर्ट है और एयर डेली वेलनेस डाटा है। वेलनेस एक्टिविटी आपको पता ही होगा दोस्तों। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो ऊपर कोने पे लेफ्ट हैंड की साइड में 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिखेंगे। जैसा कि होम है, अगर आप होम पे क्लिक करोगे, आपको आपके पास पहला वाला ऑप्शन ही आ जाएगा। उसके बाद में फैसिलिटीज़ प्रोफाइल, इस पर आप अपने सब सेंटर की प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में मैं आपको बता दूँ, फैसिलिटीज़ इमेज, जो भी आपके पास अच्छी इमेज हो अपने सब सेंटर की, वो आप पे इस पर लगा सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे डाटा एंट्री, ठीक है। आप देख पा रहे हो, हमें डाटा एंट्री में जाना है, डाटा एंट्री, और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको पता चलेगा यहाँ पे डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट, मंथली सर्विस डिलीवरी फॉर्मेट और वेलनेस रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट पे आप जब क्लिक करोगे, तो आपके पास कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप जैसा आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले इसमें डेट फिक्स करनी है, कौन से दिन की आपको डेली एक्टिविटीज़, डेली जो सर्विस है आपको भरनी है। जैसे आपको कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिए आप, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कोई सी भी डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में OPD, यहाँ पे OPD देखने को मिलेंगी, OPD मेल कितने हैं आपके पास में और फीमेल कितने हैं OPD में और अदर जेंडर, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल आ जाएंगे फीमेल मेल जो भी हैं। उसके बाद में मैं बता दूँ यहाँ पे टोटल, ठीक है, यहाँ पे टोटल पेशेंट डिस्पेंस्ड फ्री एंड एसेंशियल मेडिसिन, यानी कितने पेशेंटों को आपने फ्री में मेडिसिन दी है, यानी कि उनके कंडीशन सुनने के बाद में, बीमारी सुनने के बाद में आपने
कितने पेशेंटों को दवाई दी। जैसे आपके पास टोटल पेशेंट आते हैं 30 पेशेंट आते हैं, उनमें से आपको आपने 25 पेशेंटों को दवाई दी है, 22 पेशेंटों को दवाई दी है, इसमें एंट्री कर देनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में टोटल पेशेंट वो एवल फ्री एसेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। आपने कितने पेशेंटों को डायग्नोसिस किया है, यानी कि बीपी चेक किया है, शुगर चेक किया है, हीमोग्लोबिन चेक किया है, जो भी डायग्नोसिस किया है वो आपको इसमें लिख देनी है। जैसे आपने आपके 30 OPD थी, उनमें से आपने 5 लोगों का डायग्नोसिस टेस्ट किए थे और उनकी संख्या इसमें लिख देनी है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, टोटल पेशेंट रिसीव टेली कंसल्टेशन। देखिए आपको पता है टेली कंसल्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया था और उसके ऊपर एक वीडियो बनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो टेली कंसल्ट ये डे फिक्स होते हैं, उसमें टेली कंसल्ट होती है और डेली भी हो सकते हैं। तो जितने पेशेंटों को आपने डॉक्टर से कंसल्ट कराया है उसमें उनकी संख्या लिख देनी। जैसे 2 पेशेंटों का कंसल्ट कराया है तो उसमें 2 पेशेंटों के नंबर डाल देंगे आप, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे वेलनेस सेशन ऑर्गेनाइजेशन। वेलनेस सेशन यानी कि वेलनेस सेशन में जैसे आपको सिलेक्ट करना होता है आपने क्या किया है। अगर कोई वेलनेस एक्टिविटी की है, किसी को बताया है, HbA1c और इम्यूनाइजेशन में जो भी आप कुछ हेल्थ टॉक बताते हैं वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं, ठीक है दोस्तों। स्कूल में जाके या फिर कहीं वेलनेस प्लेस पे जाके, अच्छी जगह पे जाके आप कुछ लोगों को बताते हैं कुछ भी, वो इसमें एक्टिविटी आ जाती है। तो अगर इसमें आपने कुछ एक्टिविटी की है दोस्तों तो इसमें यस कर देंगे, अगर नहीं की है तो नो कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा इतना। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सबमिट कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जब आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही ये आपकी डेली एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद में डेली रिपोर्टिंग फॉर्मेट आप लोगों को भरना आ गया। उसके बाद में मंथली रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यह है एड सर्विस डिलीवरी मंथली रिपोर्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको सीखना है दोस्तों, क्योंकि अब सभी कार्य ऑनलाइन होने लगे हैं और ये ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसा पता है आपको मंथ सेलेक्ट करना होता है, एंट्री मंथ, यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करने होंगे। जैसे आपको फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, जो भी बनना है यहाँ पे सेलेक्ट करते ही मैं आपको बता दूँ, इस तरीके से कोई सा भी मंथ इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो आप, जनवरी, फरवरी, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो मंथ सेलेक्ट करने के बाद में इसमें कम्युनिटी आउटरीच, अब इंडिविजुअल एम्पेंडेड में क्या होगा, इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट में आपने जो OPD देखी है, टोटल महीने की OPD कितनी हुई है आपकी, आपको पता है 400 के लगभग तो होनी चाहिए आपकी OPD। तो जितनी OPD आपने एक महीने में किए हैं उस महीने की डाल दी। जैसे आपने 408 किए हैं, 409 किए हैं, 410 किए हैं, वो इसमें नंबर डाल देने हैं। उसके बाद में कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, यार कम्युनिटी के लोगों को जो आपने NCD रिपोर्ट की है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए आपने स्क्रीनिंग की है जितने लोगों की, वो स्क्रीनिंग की संख्या इसमें आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। जितने लोगों की आपने स्क्रीनिंग की है महीने में, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितने लोगों की आपको करनी होती है स्क्रीनिंग, तो वो इसमें डाल देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में आप नेक्स्ट चलते हैं हम, इतना समझ आ गया, इसको ध्यान रखना वो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें देख लेते हैं हम स्क्रीनिंग ऑफ NCD, ठीक है। वो तो टोटल स्क्रीनिंग आ गई थी। उसके बाद मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, जैसे हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग की है आपने तो उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल है जहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद डायबिटीज़ की, उसके बाद में ओरल कैंसर की दोस्तों, और टोटल ज़रूर करने हैं आपको। ये सारे फिलअप करने के बाद में आप अच्छे से भर पाओगे उसको। और उसके बाद ब्रिस्ट, ब्रिस्ट आपको पता है ब्रिस्ट और सर्वाइकल ओनली फीमेल में होते हैं, इसलिए यहाँ पर मेल का जो बॉक्स है वो फिलअप है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कुछ नॉर्मल है दोस्तों, आप इतनी टेंशन ना लीजिए, आराम से आप इसको भर सकते हो। ट्यूबरक्लोसिस रेफरल फॉर स्क्रीनिंग, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस TB के कितने पेशेंटों को आपने रेफर किया है, यानी किसी के आपने साइन एंड सिम्टम्स देखे, काफ़ी दिन से खांसी है, वेट लॉस्ट हो रहा है और फीवर भी है, तो आपने बता सकते हो उसमें आप जो 2 पेशेंटों को, 4 पेशेंटों को, टोटल कितने हो रहे हैं वो आपको बता देना है, ये मेल का है या फीमेल का है, ठीक है। उसके बाद में न्यू डायग्नोसिस पॉजिटिव मेल एंड फीमेल, जैसा कि आपको पता है इसमें आपने किसी की स्क्रीनिंग की है, स्क्रीनिंग करने के बाद में कौन पॉजिटिव है, जैसे किसी पेशेंट की स्क्रीनिंग की है, उसका BP चेक किया, उसका BP
150 से अबव आ रहा है, यानी कि सिस्टोलिक 150 से अबव, डायस्टोलिक 90 या 100 से अबव आ रहा है, तो आपको पता है न्यू डायग्नोसिस इसके हाइपरटेंशन है, तो इतने हैं जिसके आपको दिखता है इसका बीपी बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप नंबर डाल देना है। दो पेशेंट हैं, दो महिला हैं, दो पुरुष हैं, उसी तरीके से टोटल कर देने हैं। उसके बाद में ऐसे ही डायबिटीज़ का चेक करना है, किसका शुगर बहुत ज़्यादा है वो इसमें लिख देने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम ओरल कैंसर। ऐसे ही ओरल कैंसर आपको चेक करना होगा, किसके कैंसर है किसके नहीं, ब्रेस्ट भी और सर्वाइकल भी, इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी स्क्रीनिंग। उसके बाद में टीबी के लिए जो है, जो टीबी का पेशेंट हमारे पास डायग्नोसिस हुआ है, हमने पता लगा लिया कि इसके टीबी है, तो कितने पेशेंट हैं, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, ये आपको इसमें भर देने हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इंडिविजुअल ऑन ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट का होता है। अब कितने लोगों को आप हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट दे रहे हो, कितने लोग डायबिटीज़ वालों को ट्रीटमेंट दे रहे हो, और कितने ओरल कैंसर वालों को ट्रीटमेंट दे रहे हो। जहाँ तक कि आपको पता होगा, ट्रीटमेंट कम ही देते हैं, CHO देते नहीं हैं, हालांकि डॉक्टर कंसल्ट के द्वारा आप लोग और ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो नॉर्मली जितने लोगों को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उनकी संख्या यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, जैसे हाइपरटेंशन को कोई पेशेंट है और उसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, डॉक्टर कंसल्ट के बाद में डॉक्टर ने बताया कि आपको जो भी टैबलेट देनी है वो इसमें लिख देनी है, कितने पेशेंटों को टैबलेट देनी है, ऐसे ही डायबिटीज़ में और ऐसे ही ओरल कैंसर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको मैं बता दूँ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का ट्रीटमेंट, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कितने लोगों का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो भी इसमें लिख देना है बड़े ही आसान तरीके से। और आपको बहुत ही अच्छे लग रही होगी ये वीडियो। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मेडिसिन। ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन की बात करते हैं हम दोस्तों। टोटल पेशेंट रिसीव एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन एट दिस सेंटर, यानी कितने लोगों ने कितने हाइपरटेंशन की मेडिसिन प्राप्त की है अपने सेंटर पे, इसमें उनकी संख्या डाल देनी है। और टोटल पेशेंट रिसीव एंटी डायबिटिक मेडिसिन एट सेंटर, कितने लोगों ने डायबिटीज़ की दवाई यहाँ से ली है वो इसमें लिख देनी है। टीवी टोटल टीवी पेशेंट रिसीव डॉट फ्रॉम द सेंटर, कितने लोगों ने डॉट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स आपने सुना होगा, इसकी मेडिसिन यहाँ से चल रही है, तो यहाँ पे नंबरों की संख्या डाल देनी है, पेशेंटों की संख्या डाल देनी है, कितने कितने नॉर्मली है ये। ठीक है, उसके बाद में डायग्नोसिस, इसमें आपको देखना होगा दोस्तों अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल बीपी अपरेटस, यानी कि आपके पास बीपी अपरेटस है या नहीं है, इसमें यस या नो आपको पता है, अगर आपके पास है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद में ग्लूकोमीटर भी आपके पास है या नहीं है वो भी आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉप और ग्लूकोज स्ट्रिप, इसमें स्ट्रिप भरनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे आपको सबसे पहले ग्लूकोमीटर की जो स्ट्रिप मिली थी, मान लीजिए आपको 100 मिली, 100 में से आपने 40 यूज़ कर ली और अब कितनी बची हुई हैं, उस तरीके से आपको इसमें लिख देनी है। ठीक है, कितनी आपने यूज़ कर ली वो इस चीज़ में, इस कॉलम में भरनी होंगी आपको। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊं यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड टीम बेस्ड इंसेंटिव स्टेटस। ठीक है, परफॉर्मेंस एंड टीम बेस्ड इंसेंटिव स्टेटस, यानी कि हैज़ CHO रिसीव PBI फॉर मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल का जो इंसेंटिव है वो मिला है, पाया है उन्होंने या नहीं पाया, इसमें यस और नो कर देना है। ऐसे ही TBI गिवन टू आशा एंड अभी आशा को, और जो भी आशा को और आपने उनको मंथ का अप्रैल मंथ का जो भी महीना चल रहा है उसका इंसेंटिव दिया है, तो उसमें यस और नो कर देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे सबमिट कर देना है। इस तरीके से आप अच्छे से IWC पोर्टल भर सकते हो। ये आप लोगों ने डेली एक्टिविटीज़ और मंथली एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट फिलअप कर दी दोस्तों। अब हम बात करते हैं वेलनेस एक्टिविटी की दोस्तों। ठीक है, वेलनेस एक्टिविटी में क्या होता है मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। वेलनेस एक्टिविटी में जब आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डेट डालनी होगी, जैसा आप देख पा रहे हैं डेट डालते ही, और उसके बाद में एक्टिविटीज़, यहाँ पे एक्टिविटीज़ के नाम आ जाते हैं,
इनमें से कोई सी एक्टिविटी सेलेक्ट करनी होती है, नीचे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी, तो उनमें से आपको सेलेक्ट कर देनी है और सबमिट कर देनी है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में मैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस तरीके से आप दोनों रिपोर्टें भर सकते हो। और नीचे आपको कॉलम दिख रहा है व्यू रिपोर्ट का, व्यू रिपोर्ट का मतलब यह है कि आपने जो रिपोर्टें भरी हैं वो इस व्यू रिपोर्ट में देख सकते हो। जैसे आपने डेली एक्टिविटीज़ में भरी हैं और मंथली रिपोर्ट भरी हैं, वो आप इसमें देख सकते हो कैसे कैसे भरी हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप इन रिपोर्टों को एडिट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइम होता है, जैसे 8-7 दिन आपको मिलेंगे। अगर आपने कुछ गलत भर दिया है तो वो आप उसमें एडिट कर सकते हो। जैसे आपकी ओपीडी इतनी हुई है, आपने गलती से गलत भर दिया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। 6-7 दिन का टाइम मिलता है, आप चेंज कर सकते हो। और जो एक्टिविटीज़ हैं, आपको डेली एक्टिविटीज़ डेली भरनी है, और जो मंथली रिपोर्ट होती है महीने में एक बार भरनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आप जो ओपीडी हैं कैसे देखोगे, हमारी टोटल ओपीडी कितनी हो गई हैं यहाँ पे और बता देता हूँ, ठीक है। जैसा आप ये ऐप ओपन करोगे, यहाँ पे दिख रहा होगा डेली रिपोर्ट एड वेलनेस डाटा। तो जैसा आप किसी महीने की देखना चाहोगे, जैसे अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल की आप देखना चाहोगे, तो यहाँ पे अप्रैल पे क्लिक करते ही आपकी ओपीडी कंप्लीट दिखाई दे जाएगी। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और कितने लोगों को आपने ट्रीटमेंट दिया है, कितने लोगों को आपने डायग्नोसिस किया है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट तरीके से देख सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी ऐसी वीडियो से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।